गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज द्विघात समीकरण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा जो कि 2024 में होने वाली है। दिया हुआ द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात करना है। ये समीकरण दिया हुआ है और इसमें कंडीशन दे दिया गया है, x इज नॉट इक्वल टू जीरो और माइनस इंटू पी प्लस क्यू, ये दे दिया गया इक्वेशन, ये कंडीशन दे दिया गया और इसको सॉल्व करना है। मुख्य रूप से इस समीकरण पर ध्यान देना है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ से हल लिखते हैं। पहले तो जो समीकरण दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। समीकरण दिया है 1/p प्लस क्यू प्लस एक्स बराबर 1/p जोड़ 1/q और जोड़ 1/x, ये समीकरण दिया हुआ है। इससे हमको मूल ज्ञात करना है द्विघात समीकरण के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप में क्या करते हैं, 1/p प्लस क्यू प्लस एक्स लिखे और ये 1/x को बराबर की इधर ले आएंगे। पहला स्टेप तो प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा 1/x और बाकी को इधर रहने देते हैं, 1/p जोर 1/q। यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, ये भिन्न का घटा हो गया तो कैसे घटाएंगे, जैसे सीखें छोटे क्लास में, इसका नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स इंटू ये हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस एक्स एलसीएम हो गया और इससे भाग लगाएंगे तो क्या होगा, पी प्लस क्यू प्लस एक्स हटेगा तो ये आएगा एक्स और एक्स में वन से गुना करेंगे तो एक्स आ गया, ठीक है। यहाँ तक स्पष्ट। माइनस अब इससे लगाएंगे तो एक्स कैंसिल तो ये आया और ये पी प्लस क्यू प्लस एक्स जो है, चूँकि ये माइनस है तो सब ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का पी माइनस का क्यू और माइनस का एक्स हो गया बराबर। अब इधर भी क्या करेंगे, 1/p अब प्लस 1/q है, इसका भी हम नीचे वाला कैल्शियम लेंगे तो पी क्यू आएगा, पी से लगाएंगे तो पी कैंसिल हो जाएगा तो क्यू आएगा तो यहाँ पर क्यू लिख देंगे, अब प्लस क्यू से लगाएंगे तो क्यू कैंसिल होगा तो पी आएगा तो पी लिख देंगे। यहाँ तक तो बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये एक्स प्लस का है, ये एक्स माइनस का है तो ये कटेगा, काट लिए और ऊपर में क्या आया आपका, माइनस कॉमन ले लेना है और पी प्लस क्यू कर लेते हैं यहाँ, तो पी का भी चिन्ह माइनस का हो गया और प्लस गुने माइनस माइनस होगा तो क्यू का भी चिन्ह माइनस हो गया, इसको इस रूप पे लिख लिए और नीचे में जैसे लिखा वैसे ही लिख देते हैं, एक्स इंटू पी प्लस क्यू प्लस एक्स ऐसे ही लिख दिए बराबर क्या आ गया यहाँ पर, क्यू प्लस पी को हम पी प्लस क्यू कर लेते हैं, पी प्लस क्यू कर लिए, ठीक ना, और बाई पी क्यू। अब देखिए गौर से देखिए, यहाँ पर पी प्लस क्यू है, यहाँ भी पी प्लस क्यू है तो ये कटेगा, वन से कट जाएगा और ये कटेगा माइनस वन से, तो क्या आया आपको, देखिए यहाँ आपको यहाँ से आया माइनस का क्या चीज़, माइनस ये माइनस लगा ही हुआ यहाँ पर, एक से कटा यहाँ पर रखते हैं एक लिख देंगे और ये माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, माइनस का एक बट्टा में क्या आया, अब इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, एक्स में एक्स से गुना करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर अब प्लस पी प्लस क्यू इंटू एक्स लगा लेते हैं, ऐसे इस रूप पे लिख लिया गया और यहाँ से आपका क्या आया, 1/pq। देखिए एक बार गौर से, अब आगे देख लीजिए एक बार गौर से, अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, देखिए कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे करेंगे, वन से करेंगे तो यही आ जाएगा ना, तो क्या लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू इंटू एक्स लिख दिए इधर वाला को और इधर वाले को प्लस
गुने माइनस 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 क्या हो जाएगा पी क्यू, माइनस का पी क्यू। बस अब इसको क्या करेंगे, अब एक्स स्क्वायर बिल्कुल आसान हो गया, आई एक्स में दोनों में गुना कर लेना है, तो पी एक्स जोड़ क्यू एक्स, और ये माइनस का है ना इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का पी क्यू, उधर कुछ भी नहीं आया तो जीरो लिख दिए। अब ऐसा करने से दो दो पेयर मिला, कॉमन ले लेना है दोनों पेयर में से, इस पेयर में से एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या है एक्स प्लस पी आ जाएगा, यहाँ पर दो एक्स एक्स कॉमन ले लिए तो एक एक्स आएगा और एक्स तो कॉमन ही है तो पी आ गया, और इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, इस दोनों में क्या कॉमन है क्यू, क्यू कॉमन आ जाएगा, क्यू कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या है एक्स और यहाँ पे पी बराबर का जीरो। यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए क्या है कोष्ट वाला, देखिए क्या है कोष्ट वाला को देखिए, ये एक्स प्लस पी और एक्स प्लस पी, एक बार लिख ली एक्स प्लस पी, और किनारे वाले को लिख लेना है एक्स प्लस क्यू बराबर जीरो। अब ऐसा करने से क्या हुआ, एक्स प्लस पी बराबर भी जीरो होगा और एक्स प्लस क्यू बराबर भी जीरो होगा। वही बात को लिखेंगे, चूंकि एक्स प्लस पी बराबर जीरो इसीलिए एक्स बराबर बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का पी हो जाएगा, एक मूल निकला ही। पुनः पुनः चूंकि एक्स प्लस क्यू बराबर जीरो इसीलिए इसीलिए एक्स बराबर निकला माइनस का क्यू, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये द्विघात समीकरण के दो मूल यही हैं, एक माइनस पी और एक क्यू, लिख देंगे अतः अतः द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के क्या चीज मूल कितना निकला, माइनस पी कॉमा माइनस क्यू, ये दोनों फाइनल आंसर रहा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।